कुलकर्णी, तू गुनेगार है या बेगुनाह, इसका फैसला होना तो अभी बाकी है। अपराधी, 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 अपराधी। नहीं देवा, मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैंने किसी को नहीं मारा। अब अगर मैं किसी को रिमांड पर लेता हूं और वो रिमांड में लेने के बाद जो तू कहाश्र करता है, यही जानने के लिए मैंने जॉन को भेजा था तेरे पास। कुलकर्णी, तूने मेरे दो आदमी मारे, उनकी मौत तो मैं तुझे बख्श भी सकता हूं, मगर जिन तीन बेगुनाह लोगों को तूने मारा है, उनका तो गुनाह की दुनिया से कोई वास्ता ही नहीं था। उन्हें मारकर तूने उनके परिवारों को भूख, गरीबी और तकलीफों में झोंक दिया। उनमें से एक अपने बूढ़े मां बाप का इकलौता सहारा था, और जिस मजदूर पर तूने गोलियां दागी वो 12 लोगों का पेट भरता था, और अंसारी की विधवा की गोद में 3 महीने का बच्चा है, और ये सारे पाप तूने अपनी इस वर्दी पर एक और स्टार बढ़ाने के लिए किए हैं। काम मैं उसी की भलाई के लिए कर रहा हूं। ये रिवॉल्वर सरकार ने तुझे बुराइयों को मिटाने के लिए दिया था, तूने इसे सिर्फ गुनाह किए हैं। नहीं देवा, ये रिवॉल्वर पहली बार कोई नेक काम करने जा रहा है। सुन। क्या सुनूं? एक बात तो सुन ले आकाश। देख, मुझे नौकरी छोड़ने का कोई गम नहीं। कितना शर्मिंदा होना पड़ता था मुझे। मेरा बड़ा भाई एक बड़ी कंपनी में बड़ा ऑफिसर, और मैं एक मिल में। क्या मैंने इसीलिए पढ़ाई लिखाई की थी? दिन रात इसीलिए मरता था मैं? देवा मैं मानता हूँ कि ये काम तेरे लायक नहीं था, लेकिन आदमी को जीने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। नहीं आकाश, मैं सिर्फ जीने के लिए कुछ नहीं कर सकता। जो लोग मुझे पसंद नहीं, मैं वहाँ काम नहीं कर सकता। तू उस नौकरी में जीने की बात करता है? ये देख, 1300 की नौकरी में ऐसे ही जिया जाता है। देवा, देवा तूने जूता क्यों फेंक दिया? देवा देख, नंगे पाँव तुम्हें लग जाएगी। देवा, देवा मेरी बात तो सुन। देवा, देवा, तूने मुझसे कहा क्यों नहीं कि तेरे जूते फट गए? देख, मुझे अगली तनख्वाह मिलेगी ना, सबसे पहले मैं तेरे लिए नए जूते खरीदूंगा, पहन ले। नहीं तो लोग कहेंगे एक बड़ी कंपनी के सीनियर सुपरवाइजर का भाई नंगे पैर चल रहा है। छोड़ दी तो इसने ये नौकरी भी छोड़ दी। मेरी समझ में नहीं आता ये चाहता क्या है। अब छोड़िए ना। अगर क्या परेशानी थी तुम्हें वहाँ? वो काम ठीक नहीं लग रहा था मुझे, मेरा मन नहीं लगता था। सुना, इन्हें काम वो चाहिए जिसमें इनका मन लगे। इतनी मुश्किल से पहचान निकाल कर मैंने सूरजमल जी से बात की थी, बड़ी मुश्किल से मनाया था उन्हें। और आजकल ऐसी नौकरियों के लिए भी हजारों लोग लाइन में खड़े होते हैं, और ये कहते हैं कि इनका मन नहीं लगता। मुझसे नहीं होगी इस तरह की नौकरी। क्या इसी नौकरी के लिए मैंने जी तोड़ मेहनत करके पढ़ाई की थी? क्या फायदा है इन डिग्रियों का? तो तुम चाहते क्या हो? जब तक कोई बड़ा काम नहीं मिलेगा तब तक घर पर बेकार बैठे रहोगे? बस भी कीजिए, इसे खाना तो खाने दीजिए। तुम चुप रहो, किसी भी नौकरी में एक पल भी टिक कर काम नहीं करता ये। कहीं इसको काम ठीक नहीं लगता और कहीं जनाब का मन नहीं लगता। हद होती है हर बात की। देवा, देवा देखा इसकी अकड़ देख। इसका मतलब ये है कि जो करना चाहे से करने दो, बस कोई टोकने वाला नहीं होना चाहिए। बात है भाई, पटाखे किस खुशी में जला रहे हो? ए, तेरे को मालूम नहीं क्या, इंडिया मैच हार गई है, अपुन पूरे 5000 रुपए जीते ले बाप। जिस देश में पल रहे हो, जिस देश की रोटियां खाते हो, उस देश की हार की खुशियां मनाते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? लो
एक और गांधी जी आ गए। ए, चल फूट ले इधर से, ये फूटेगा ना तेरा मुंह भी काला हो जाएगा। चल फूट ले, चल भैया, भैया चलो ना। ए, चल 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 सियाने चल। आकाश गुड्डी को लेकर घर जाओ, चलो चलो। क्यों बे, मेरे भाई का मुंह काला करेगा तू? बाबूजी गलती उन लोगों की थी, पहले उसने मुझे हाथ लगाया उसके बाद। और उसके बाद इन्होंने अपनी गुंडागर्दी दिखा दी, उन्हें पकड़ कर पीटना शुरू कर दिया। मैं पूछता हूँ क्या फर्क है उन मवालियों में और इसमें? हाँ हाँ मैंने मारा उन्हें, अगर वो भाग नहीं जाते तो उनके हाथ पैर तोड़ देता। देवा किस तरह बात कर रहे तू? मुझे बोलने दे माँ, मेरे भाई को कोई गाली दे उस पर हाथ उठाए मैं खड़ा तमाशा देखता रहूं? तुम समझते क्या हो अपने आप को, किसी के भी हाथ पांव तोड़ दोगे तुम और ये सब करके परेशानी में किसे डालोगे? हमें ही ना। मैं आपको परेशानी में नहीं डालना चाहता बाबूजी, मगर बुजदिलों की तरह जी भी नहीं सकता, बुराई को देखकर मुंह नहीं मोड़ सकता मैं। मैं फिर से कहता हूँ कि मैंने वहां जो भी किया ठीक किया, गलत नहीं किया।